तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे 13,000 के अंडर में। अगर आपको 13,000 के अंडर में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। और आपको बता दें कि इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। जैसे गेमिंग के लिए आपको पावरफुल अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। अच्छा कैमरा होगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो वीडियो जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अपनी लिस्ट का पांचवें नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1X। दोस्तों यह फोन जो है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ और प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। अगर आपको 13,000 के अंडर में कोई लेटेस्ट अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो यह फोन जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फन टच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। और ये फोन जो है ना 182 ग्राम वेट के साथ आता है जो कि नॉर्मल ही है और 8mm का थिकनेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इनमें आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। बात करें कैमरा का, तो इनमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर एंड बैटरी का, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा। दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना काफी बढ़िया है एंड 2,20,000 प्लस इस फोन का अंतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको चार्ज करने के लिए 18W का चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और इसी वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा एंड 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 11,999 रुपया देना होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। अगर आपको 13,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना तो यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और आपको बताते चले कि इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 9i। ये फोन भी जो है ना 13,000 के प्राइस रेंज में काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इनमें आपको 480 Hz का ब्राइटनेस मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक ही है। और स्क्रीन को स्मूथ करने के लिए 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं फोन का कैमरा का, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर काफी अच्छा है एंड 2,70,000 प्लस इस फोन का अंतु स्कोर भी है। बात करें बैटरी का, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 190 ग्राम वेट के साथ आता है जो कि नॉर्मल ही है, 8.4mm का थिकनेस यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है, 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें, तो रियलमी UI 2.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,500 रुपया देना होगा। इस फोन का और भी वेरिएंट आता है लेकिन उन सभी का प्राइस कुछ ज्यादा ही है। इस फोन का बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का।
तो हमारी लिस्ट का थर्ड नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11। अगर आपको इस प्राइस रेंज का एक अच्छा ऑलराउंडर साधांशु लेवल का स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर को। तो यह फोन भी जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। और इस फोन का वजन जो है आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 179 ग्राम है। और 8.1 एमएम का थिकनेस है, काफी पतला सा फोन है। 3.5 एमएम वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप दो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर इसमें भी मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन मेन फीचर का। तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। एंड 1000 निट्स का पिक ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और स्क्रीन को स्मूथ करने के लिए 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। एंड इनके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है। ये तो हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि माइक्रो फोटो और डेप्थ सेंसर के लिए है। और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। दोस्तों कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस प्राइस रेंज का एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 275,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी ठीक ठाक ही है। बात करें बैटरी का, इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का प्रो फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ये जो है ना इस फोन का बेस वेरिएंट है, और इस वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,700 रुपया देना होगा, और 664 वाले वेरिएंट को लेने के लिए 13,500 रुपया देना होगा। अगर आपका बजट 13,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 664 वाला भी वेरिएंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। अगर आपको 13,000 रुपया में एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो इस फोन का नाम है Realme Narzo 50। दोस्तों यह फोन जो है ना 13,000 के अंडर में काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है, और गेमिंग के लिए इनमें सभी फीचर काफी परफेक्ट दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो यह फोन भी जो है ना प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 194 ग्राम इस फोन का वेट है, जो कि लगभग नॉर्मल ही है। 8.5mm का थिकनेस, यानी कि ज्यादा मोटा फोन नहीं है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। डेडिकेटेड स्लॉट गया है, जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI 2.0 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। और इनमें आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन मेन फीचर का। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। और इसको स्मूथ करने के लिए 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। एंड 480 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, ज्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक ही है। ये तो हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है ना बहुत अच्छा दिया गया है इस फोन का, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है। और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाएगा। प्रोसेसर हालांकि 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है, लेकिन प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। एंड 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर काफी जबरदस्त है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का डार्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का।
होगा तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का ये बेस वेरियंट है और इस वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 13,000 रुपया इस फोन का प्राइस है अभी के टाइम पे। अगर आपको 13,000 रुपया में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट का सबसे आखिरी एंड बेस्ट फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G40। दोस्तों अगर आपको 13,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा धांसू लेवल का स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिल जाएगा। इस फोन का सबसे अच्छा बात यह है कि यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। ये फोन भी जो है ना प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन जो है ना आपको हल्का फुल्का भारी महसूस करा सकता है, क्योंकि इस फोन का वेट 220 ग्राम है और 9.6mm का थिकनेस, यानी कि थोड़ा सा मोटा फोन जरूर है बट ठीक ठाक ही है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। आप इस फोन में एक साथ डबल सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 11 पर। और सिक्योरिटी के लिए में आपको फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.7 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इसको स्मूथ करने के लिए 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस जो है ना काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है इस फोन का काफी बड़ा प्लस बवाल डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने देगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब रियर एंड फ्रंट कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त लेवल का दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको इस प्राइस रेंज का एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला एक प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर जो है ना 8nm पर बना हुआ है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं एंड 2.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतु स्कोर है, जो कि ठीक ठाक ही है। बात करें बैटरी का, तो आपको 6000mAh का एक बड़ा बैटरा दिया गया है, जिनको चार्ज करने के लिए 20W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए हालांकि चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगा सकते हैं और यही फोन जो है ना अभी के टाइम पे आपको 13,500 रुपया में मिल जाएगा। अगर आपका बजट 13,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। यानी तो अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। I mean 13,000 के अंडर में यह फोन आपको मिल जाएगा। अगर आपको 13,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।